हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल स्पोर्ट्स कीड़ा ई स्पोर्ट्स। मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम थोड़ी गेमिंग न्यूज़ कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को। हमारी आज की पहली खबर आ रही है फ्रॉम वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप। सो वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप दैट इज एन अवार्ड विनिंग इंडियन गेम has signed an exclusive deal with an Israel-based in-game ad solution provider, Anzu. तो अब से Anzu provide करेगा a new age blended ad technology WCC game में. And this deal is huge और ये help करेगा to bring more opportunities in the Indian gaming ecosystem, especially for brands and advertisers जो Indian ecosystem में advertise करना चाहते हैं. So we would basically see a lot of changes in the in-game advertising of WCC. एंड इसी के बारे में WCC के जो CEO हैं मिस्टर PR राजेंद्रन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला, वी आर ग्लैड टू बी एबल टू ब्रिंग मोर वैल्यू टू ब्रांड्स, वी बिलीव दिस कोलैबोरेशन विल हेल्प अस सर्व यूजर्स एंड एडवर्टाइजर्स बेटर बाय टेकिंग गेमिंग एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग अ नॉच हायर फॉर एनहांस्ड एक्सपीरियंस। Anzu कंपनी के जो CEO एंड को फाउंडर है उनका भी एक स्टेटमेंट आया हमारे पास जिसमें उन्होंने बोला, एवरी रीजन इज सीइंग अ ग्रोथ इन गेमिंग and advertisers realize that in-game ads can help them connect with a once elusive audience. We are thrilled to partner with such a well-established studio and help them achieve their goals while opening up the in-game advertising market for advertisers across India. So, ye statement se hi bahut cheeze clear ho jati hain. Jaise unhone bola, every region is seeing a growth in gaming and which is quite obvious. India mein gaming ka bahut growth hua hai over the times and WCC ka ye deal is very huge, very happy for them. And I thought this is worth reporting. हमारी एक और बड़ी खबर आ रही है CSGO की दुनिया से, जो पिछले एक या दो दिन से इसके बारे में बात हो रही है कि काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, जिनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का भी टाइटल दिया जाता है, ओलाफ माइस्टर इज रिटायरिंग। जी हाँ, कोल जीरा ने अपने एक इंटरव्यू में रिसेंटली रिवील किया कि फेज दो रिप्लेसमेंट्स प्लान कर रहा है बहुत जल्दी। एक रिप्लेसमेंट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, बट दूसरा जो रिप्लेसमेंट होने वाला है वो ओलाफ माइस्टर का होने वाला है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स काउंटर स्ट्राइक हैज एवर सीन। लाइक CSK फैंस आर मैड अबाउट हिम, ही सच अ ग्रेट प्लेयर एंड आई थिंक इट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम। बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, बहुत देखा है मैंने इनको पर्सनली जब ये फेनेटिक में थे, वो टाइप्स है। एंड अभी ये कहा जा रहा है, कुछ अनाउंसमेंट तो किया नहीं है उन्होंने पर्सनली, बट कोल जीरा बता रहे हैं तो ऑब्वियसली सच ही होगा। सो I think it's the end of the road for Olaf Meister and we'll forever miss him quite obviously because CSK fans know ki wo kitne legendary player hai and kitna jyada unhone achieve kiya hai Counter Strike Global Offensive mein and wo those memories will always stay with us and I don't know kya hoga unka future gaming mein, kya wo maybe wo coach ban sakte hain, maybe wo manager ban sakte hain, but as a player to for now ye news aa rahi hai ki he's retiring. Iske baad mein kuch update aata to hum zarur banayenge video, but for sure we are going to miss Olaf Meister a lot. So that is it for this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन। मैं मिलूंगा आपको अगली बार एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।